चलिए अभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन फैमिली में जो हम पढ़ रहे थे ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, फिर सॉल्यूशन अपन अगले वाले उसमें देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को एसिडिक नेचर के ऑर्डर में हमको अरेंज करना है ना। यू हैव टू अरेंज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक नेचर, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड है नाइट्रोजन N2O जो होता है, दैट इज अ बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन देन एयर। ठीक है, ऐसा क्यों है ये समझाना है। N2O इज अ बेटर सपोर्टर ऑफ कंबशन देन एयर, ऐसा क्यों है ये समझाना है। ठीक है, अगला जो है NO2 जो होता है आसानी से डाइमराइज हो जाता है, लेकिन NO का डाइमराइजेशन आसानी से नहीं होता है ना, ऐसा क्यों। ठीक है ना, NO2 इजिली डाइमराइज हो जाता है, NO का डाइमराइजेशन डिफिकल्ट है। अगला है N2O, N2O3 और N2O4, इनको आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। N2O, N2O3 एंड N2O4, इनको आपको नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है ये नाइट्रोजन की किन ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड में सबसे कम रहेगी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट रहेगी या लॉन्गेस्ट रहेगी। ठीक है, फिर और नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड एंगुलर है, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड एंगुलर होगा। फिर उसके बाद लॉन्गेस्ट NO बॉन्ड नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड में रहेगा, है ना, नाइट्रोजन की किस ऑक्साइड में लॉन्गेस्ट NO बॉन्ड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद सॉलिड स्टेट में नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड आयोनिक फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड आयोनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको बनाना है NaNO3, इसको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, इट्स नॉट NaNO3, इट इज N2O5। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम, क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इज N2O5 सॉलिड प्लस NaCl, इनके रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद अगला है विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट, है ना, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा रहेगा कि एक सॉल्ट कंटेन्स एन एनायन विच ऑलमोस्ट डिसॉल्व्स एनी कैटायन विद इट इन वाटर, है ना, एक सॉल्ट है जिसमें ऐसा एनायन है जो सारे सॉल्ट्स को या सारे कैटायन्स को अपने साथ क्या कर लेता है, वाटर में डिसॉल्व कर लेता है। द कैटायन प्रेजेंट इन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लम्बो सॉल्वेंसी, इस वाले सॉल्ट में जो कैटायन है वो प्लम्बो सॉल्वेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हेन दिस सॉल्ट, इस सॉल्ट को जब हीट किया तो इसे एक रेसिड्यू मिलता है और साथ में गेशियस मिक्सचर मिलता है। इस गेशियस मिक्सचर को पहले हम कहां से, अल्कलाइन पायरेगोलॉल में से पास करवाते हैं, जो क्या कर लेगा इसमें से एक गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो गैस बच जाती है, ठीक है, उसका ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ये जो ब्राउन कलर गैस होती है इसका जब कंडेंसेशन करवाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका ब्राउन कलर डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट है इसके बेसिस पर आपको क्या करना है, पहले तो सॉल्ट को पहचानना है, फिर सॉल्ट को गर्म करने पर जो रेसिड्यू मिला वो किसका था ये बताना है, फिर पायरेगोलॉल में कौन सी वाली गैस एब्जॉर्ब हुई ये बताना है, ब्राउन कलर की गैस कौन सी है ये बताना है, और आखिरी में एक एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है कि वो जो ब्राउन गैस होती है, ठीक है ना, उसका कंडेंसेशन करवाने पर वो डीकलराइज क्यों हो जाती है। समझ आ गई बात ये। ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड वो कौन सा है ना, ये N2O3 है ना, इसका स्ट्रक्चर है बिना वो वाले ना बॉन्ड पैरामीटर वाला, जो अपन ने देखा था लेक्चर में ना, बॉन्ड पैरामीटर वाला स्ट्रक्चर है, इसमें तीन बॉन्ड एंगल्स डिनोट किए हैं ना, ये ONN X डिग्री NNO, ठीक है यार, ये वाला ONN ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज Y डिग्री एंड इट इज ONO दैट इज Z डिग्री। ठीक है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करना है। ठीक है ना, ये वाले जो एंगल्स हैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में अरेंज करना है।